चलता रहेगा। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लगातार अधिकारी भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है जो इससे पहले भ्रष्ट नजर आए या किसी काम में वो संलिप्त रहे हैं। और उमा भारती का ये ट्वीट आपको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज के कार्यों की तारीफ की है और उन्होंने लिखा है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी ने नशा मुक्ति अभियान का प्रारंभ कल से ही कर दिया। जिस तरह से हुक्का बार लाउंज और नशे के अवैध व्यापार को ध्वस्त कर देने के लिए अधिकारियों को कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है, वो अभिनंदनीय है। तो ये उमा भारती ने ट्वीट किया है, चूंकि लगातार वो भी मांग कर रही हैं कि शराबबंदी हो जाए प्रदेश में और उसको लेकर उन्होंने अभियान छेड़ने की भी बात कही है और अब इस दिशा में एक कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसकी सराहना अब हर कोई कर रहा है। यहाँ पर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सराहना की मुख्यमंत्री के कार्यों की और मंत्री विश्वास सारंग को भी आपने सुना, उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। ट्वीट उन्होंने किया और ये देखिए ये कार्रवाई जो है वो की गई है और ये बड़ी कार्रवाई इस समय मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में तमाम ऐसे हुक्का बार हैं जो संचालित हो रहे हैं लेकिन जिसकी भनक पुलिस को नहीं है और अवैध तरीके से इनको संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभम, ये बड़ी कार्रवाई समय मानी जा रही है कि कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद अधिकारियों को कड़े लहजे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्रवाई होनी है, नशे के खिलाफ अब अभियान चलता रहेगा, यानी कि ये बड़ी कार्रवाई है और आगे भी हम ऐसी कार्रवाइयां देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है, वरना 1.5 वर्ष से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार मांग कर रही थी कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। अब 2 अक्टूबर से भोपाल के लाल परेड मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें बाबा रामदेव भी आए, इसके अलावा कई और बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आई और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति का मध्य प्रदेश में चलेगा और उसी के तहत ये कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी चाहे भोपाल हो या आर्थिक राजधानी इंदौर हो, दोनों ही जगह हमने देखा है कि हुक्का लाउंज जो खुलेआम चल रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट चलाते हैं और साइट में जो हैं हुक्का लाउंज भी चलाते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर आने वाले 2 महीनों तक इसी तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और ये एक बड़ी कार्रवाई इसलिए भी मानी जा रही है कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कि नाबालिग हैं और वो नशे में घुसते चले जा रहे हैं, नशे की ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं और अगर ये कार्रवाइयाँ होती हैं, अगर लाउंज सील कर दिए जाते हैं जैसा कि किया भी कल देर रात जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो बच्चों को इससे बचा लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा नशे का शिकार है, वो चाहे सिगरेट हो, शराब हो, पान गुटखा हो या फिर हुक्का ही क्यों ना हो, और हुक्का को तो हम देखते हैं कि उसका कुछ युवाओं में ज़रा ज़्यादा ही क्रेज़ देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर जो है सरकार सख्त है कि आने वाली पीढ़ी इस तरह से नशे में पूरी तरह से बर्बाद ना हो और उसी को रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारी की सारी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती, समाज को भी आगे आना होगा, समाज को भी आगे बढ़ना होगा। कॉलेजेस में भी आप देखें कि अभियान चलाए जा रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, यानी जहाँ जहाँ से मैसेज हम कर सकें नशे से हमें किस तरह से दूर रहना है, ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है। बिल्कुल, और ये मैसेजेस अब से देने का काम नहीं किया जा रहा है शुभम, बहुत पहले से किया जा रहा है और स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है कि नशे से दूर रहा जाए ताकि अगर नशे की ओर आकर्षित बच्चे होंगे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। शुभम आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेते हैं।